हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ मूंग दाल की बिल्कुल नई और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। और बहुत ही कम समय में बन के तैयार होता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है और बिल्कुल स्पॉन्जी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी जार। अब मिक्सी जार में हम यहाँ पर डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी मोटी बारीक आप कोई से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी डाल दिया है मूँग दाल। तो मूँग दाल को पहले मैंने यहाँ 1-2 घंटे के लिए भिगो लिया था, तो मूंग दाल अच्छे से हमारा भींग गया है। तो सभी 1 कटोरी मैंने सूजी लिया, तो 1 कटोरी ही बराबर का मात्रा में मैंने लिया है मूंग दाल। अब यहाँ पे 1 कटोरी हम डाल देंगे दही। तो दही थोड़ी सी खट्टी रहेगी तो चलेगी, तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और इसका बेटर हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है। तो 1 से 2 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल दिया है, जिससे हमने दही डाला था उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने उसी कटोरी से। तो इसको ढक्कन लगा के अब इसको हम पीस लेंगे। तो इसका बेटर हमें ज़्यादा मतलब महीन नहीं पीसना है, हम इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। तो सारे बेटर को हम इस बोल में निकाल लेंगे, और जिसको बिल्कुल भी ऑयल और मसाला नहीं खाना है तो ये नाश्ता उसके लिए परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गाजर। तो 1 बड़ा गाजर था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, तो उसको हम डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो गाजर को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च लिया था जिसको मैंने छोटा छोटा काट दिया, उसको डाल देंगे। तीखे के अनुसार मैंने हरा मिर्च लिया है उसको डाल देंगे, छोटा छोटा काट लिया है। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें अदरक, अदरक को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा मूंग बचा लिया था, 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच से ये मूंग है, तो वही मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उसको हम डाल देंगे। खड़े मूंग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्रंचीपन। तो ऐसा आप इस तरीके से ये नाश्ता बनाए तो आप मूंग खड़ा मूंग ज़रूर डालें। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा। अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है ये नाश्ता। थोड़ा तीखा और मीठा गाजर डालने से नाश्ता हमारा थोड़ा सा मीठापन आता है, और मैंने मिर्च भी थोड़ा सा इसको तीखा ही रखा है, तो मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी ये नाश्ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, मुझे बेटर और सूखा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है 1 चम्मच। अब इसको हम साइड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जिस बर्तन में हम बनाएंगे, तो हमने बर्तन ले लिया, आप कोई सा भी बर्तन में बना सकते हैं। तो ये बर्तन में आप केक भी बना सकते हैं, कोई चीज़ को सेट भी कर सकते हैं बर्फ़ी वाला। तो ये बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे कि जब हम नाश्ते को बनाएं तो हमारा नाश्ता बिल्कुल क्लीन अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रिफाइन ऑयल। तो चारों तरफ हम रिफाइन ऑयल को लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे छोटे चम्मच से, 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच से कम ही है। आप यहाँ पे चाहे तो यूनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसको सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, और ये देखिए ये डालने से बेटर हमारा कितना जल्दी फूलने लगा है। तो फटाफट इसको हम मिक्स करके और अपने बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया, और देखिए इसको हम ज़्यादा हमने पतला नहीं किया है, इसको मोटा ही रखा है। आप सारे बेटर को हम इसमें बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारा ही अपना बेटर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको डिप कर लेंगे कि जो नीचे से ये हवा है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयार कर लिया है। अब ऊपर से हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो इसे देखने में हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से गाजर डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने मूंग दाल खड़ा रखा था उसको हम डाल देंगे ऊपर से। ऊपर से ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, नाश्ता तो है ही कमाल का, लेकिन ऊपर से भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सजा दिया इसको। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ब्लैक तिल। तो यहाँ पे सारा ही हमने डाल दिया। अब यहाँ पे सफ़ेद तिल थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको हम एक साइड मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए। तो इसको हम नाश्ते को स्टीम करेंगे।
तो यहाँ पे पानी को मैंने पहले ही उबाल लिया, देखिए उबल रहा है। उसमें मैंने एक स्टीम रख लिया है। अब यहाँ पे हम अपने बैटर को रख देंगे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए, कम से कम ये 7-8 मिनट में अच्छे से ये पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फुल आँच किया है और इसको हम ढक देंगे। तो बीच में हम आप चेक भी कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था और देखिए ये बिल्कुल भी फूल गया है। तो यहाँ पे टूथपिन से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ के देखिए बिल्कुल भी क्लीन निकला है। अगर आपका बैटर अभी नाश्ता कच्चा है तो इसमें लग जाएगा, टूथपिन में अगर बिल्कुल ये क्लीन निकल रहा है तो हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर लिया है और निकाल दिया था ठंडा होने के लिए, और ये देखिए बिल्कुल भी ठंडा हो गया है। तो पहले हम इसको चाकू को किनारे से हम इस तरीके से लगा लेंगे और हम इसको निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इसी में इसको नाश्ते को काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप इसमें काट लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बर्फ़ी का शेप से मैं काट रही हूँ और बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। देखिए देखने में हमारा नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये निकल गया है और नीचे का बर्तन बहुत ही क्लीन आया है और बिल्कुल ये फूला फूला स्पंजी ये नाश्ता बनके हमारा तैयार होता है। तो एक बर्तन हम लेंगे और इसी में अपना सारे नाश्ते को हम निकाल लेंगे और ऊपर से गाजर और ये सब डालने से देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है और खाने में उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी है। तो ट्राई आप ज़रूर करें। तो जिसको हेल्दी खाना इस तरीके से आप खा सकते हैं, ऐसे भी चटनी के साथ आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, सरलो फ्राई, तभी भी हर दोनों तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और स्पंजी ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी और फुला फुला आप देख सकते हैं नीचे से कितना इसमें जाली आया है। तो एक बार अब इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा ये आपको पसंद आएगा। तो थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।